नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। मैं HS यादव। आज हम लोग कोरोना पर बातें करेंगे। कोरोना ने रिश्ता नाता, सगे संबंधी, भाई भतीजा, समाज, दोस्त सब कुछ भुला दिया है। माँ की ममता और पिता का प्यार भी छीन लिया है। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि चीन, इटली, अमेरिका जैसा हालात बिहार का भी होने जा रहा है। आपने देखा कि किस तरह एक साथ 6 शवों को जलाया जा रहा था। उनके परिजन देखने तक भी नहीं आए थे। धीरे धीरे यहाँ के भी लोग इटली चीन वाले नीति को अपना रहे हैं। मरने के बाद सबको अस्पताल में ही छोड़ दे रहे हैं या फिर सबको देखने तक भी नहीं जा रहे हैं। हम ऐसे ही दो मामले आपके पास पेश कर रहा हूँ। पहला मामला बक्सर का है। शहर के चीनी मिल की रहने वाली एक महिला की तबीयत खराब हो गई थी। जांच में वे कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके बाद इलाज के लिए कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया था। रविवार की शाम उन्होंने दम तोड़ दिया। महिला की मौत के बाद उनके बेटा ने शव लेने से इनकार कर दिया। वे शव को छोड़कर अस्पताल से भाग गए। शव घंटों बेड पर पड़ी रही। इसके बाद जिला प्रशासन ने सबको जलवाया। दूसरा मामला औरंगाबाद का है। पत्नी ने घर पर दम तोड़ी तो पति ने 12 घंटे बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया। औरंगाबाद नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 12 के न्यू एरिया मोहल्ला के एक महिला की कोरोना के कारण मौत हो गई। मौत के बाद अगल बगल व सगे संबंधी तक कोई झांकने भी नहीं आए। रात भर लाश घर में पड़ी रही। सुबह में स्थानीय पार्षद की पहल पर सबको दाह संस्कार के लिए भेजा गया। इसके बाद बीमार देवकी नंदन सिंह को प्रखंड कार्यालय के बगल में स्थित आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां रविवार की रात उनकी भी मौत हो गई। इसके बाद उनका भी दाह संस्कार कर दिया गया। बता दें कि पिछले 24 घंटे में 11,801 नए मामले राज्यभर में मिले हैं। पिछले 24 घंटे में उत्तर बिहार में 31 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज़्यादा मौतें बेतिया में 14 लोगों की हुई है। मधुबनी में 4, दरभंगा में 10, समस्तीपुर में 3 लोगों की मौत हुई है। आज सबसे ज़्यादा मामले 2,720 पटना में मिले हैं। अब तक जो जिले में केस मिले हैं वो इस प्रकार है। पश्चिम चंपारण में 3,183 मामले हैं, वहीं 49 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। मधुबनी में 1,650 मामले हैं, मौत 12। समस्तीपुर में 1,714, मोतिहारी में 258, मधेपुरा में 1,450, वहीं मौतें 30। औरंगाबाद में 4,532 अब तक मामले हैं। सासाराम में 2,068, सुपौल में 1,712, गोपालगंज में 1,447, अररिया में 835, भागलपुर में 3,122, पूर्णिया में 2,666, मुंगेर में 2,437, बेगूसराय में 4,363 है। आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा लीजिए और इस वीडियो को आगे से आगे तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल अब तक बिहार को आप देखते रहिए। धन्यवाद।